हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोग मुझे देख रहे हैं तेज ट्यूब में, मैं शरद गुप्ता। और मैंने जो है फ्रेंड्स सी टेट और यूपी टेट क्वालिफाई अभी किया है, बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल और बढ़िया वीडियो यहाँ पे देने की पूरी कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैथ्स का जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका सी टेट, यूपी टेट और जितने भी स्टेट टेट होते हैं, और आपका जहाँ पर भी आपकी मैथ्स आती है, ठीक है, तो वहाँ के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेसिकली ये सी टेट और यूपी टेट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं एक एक नियम की, मतलब यूनिटरी मेथड की। इसमें अगर यूनिटरी मेथड की फ्रेंड्स बात करें, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। इसका हिंदी में मतलब होता है एक एक नियम, ओके। और इसमें हम लोग समीकरण जैसे कि इक्वेशन को जानते हैं, ठीक है। इक्वेशन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वेशन, इस तरीके की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो कई तरीके की आपकी इक्वेशन होती हैं, ये आपकी बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ पहले इसको समझ लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेकंड नंबर में आपका जैसे लिखा हुआ है चर, ठीक है, चर लिखा हुआ है। चर को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और इसमें क्या आती हैं? इसमें आती हैं आपकी अज्ञात राशियां, जो कि अननोन होती हैं, अज्ञात होती हैं, वो राशियां इसमें आ जाती हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स इसमें, देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, x/3 + 2, और फिर इसके बाद आपका दिया गया है, ओके फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पे क्या दिया गया आपका, यहाँ पे दिया गया आपका x/3 + 2 इज इक्वल टू 4x + 2/5, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी इक्वेशन दी गई है x-1/x इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्या करना रहता है एक्चुअल में, ये आपकी चर मतलब कि x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी रहती है। वेरिएबल का मतलब फ्रेंड्स होता है जिसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाए, चेंजेबल हो, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है, डॉट डॉट आपका ये सारी वैल्यूज़ आपकी हो सकती हैं। और आपको अगर अचर निकालना है, मतलब कि कांस्टेंट उसको कहते हैं, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट आपके होते हैं, जैसे आपकी गिनती कोई भी लिखी हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये सब हैं आपकी कांस्टेंट, मतलब कि अचर राशियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चर और अचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसके पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पहले आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उसको लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं रेखीय समीकरण क्या होता है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें कि एक्स की पावर आपकी, देखिए यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी एक्स की पावर 1 होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x/2 + 1 इज इक्वल टू 3x + 2/3, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी रेखीय समीकरण है या फिर लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट वन पे चलें फ्रेंड्स, तो लिखा हुआ है 2x + 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन में आ जाती है या फिर रेखीय समीकरण में आ जाती है, ओके फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट की, तो इसमें आपका जैसे लिखा हुआ है 3x - 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है ये, और इसमें एक्स की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये आपका -4 लिखा हुआ है, आर एच एस में जाएगा, ये होता है आपका एल एच एस, दिस वन इज आर एच एस, ठीक है। तो आपका ये आर एच एस में जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बदल के प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 1 + 4 हो गया यहाँ पे। 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5/3, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और दूसरे पक्ष में जाएगा मतलब आर एच एस में जाएगा तो 3 डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल से जो है टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमारा लिखा हुआ है 2x + 5 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
टू एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 5 यहाँ पे क्या है LHS में प्लस में है, और इधर आएगा आपका RHS में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 2x इजकल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 2x इजकल टू 4, देन x की वैल्यू x इजकल टू हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2, ठीक है, मतलब कि 2 आपका आंसर आ गया इसमें। ओके फ्रेंड्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने जो है सीटेट, यूपीटेट और एयरफोर्स आपका ग्रुप वाई, ठीक है, SSC, CPO और रेलवेज के एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप लोग जो है आप लोगों को ये बताना था। और इसके अलावा मैं जो है अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, आप लोग यहाँ पर मेरे सारे कोर्सेज देख सकते हैं, और इसके अलावा मैथ्स के कोर्सेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे क्या होगा, उससे जो है आपका अनअकैडमी पे जितना भी मटेरियल है वो मिल जाएगा, और आपका वहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए और यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ्स की, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए और उसके बाद सारे कोर्सेज भी देख लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। जैसे तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, वह संख्या ज्ञात करिए जिसे उसी संख्या के आधे में योग करने से 33 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो वह संख्या मान लिया हमने x, क्या मान लिया, वह संख्या मान लिया x। अब इसके बाद उसका आधा करेंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है कि उसी संख्या के आधे मतलब x बाई टू, तो हो जाएगा x प्लस x बाई टू इज इक्वल टू आपका कितना दिया गया है, 33 दिया गया, यहाँ पे हमने 33 लिख लिया। अब इसका फ्रेंड्स क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता होता है तो मैं एक चैप्टर आगे एलसीएम और एचसीएफ का करा दूंगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं मतलब कि हर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अंश से जो आपका अंश मतलब न्यूमरेटर होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका, 2 अंजा 2, और 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो कॉमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, उसका मैं प्रॉम्प्टली आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आता है 2x प्लस एक्स, आप लोग ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 3x, 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 33, देन 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 33 इंटू 2, इंटू 2 क्या, उससे कैसे हुआ, इंटू 2 ऐसे हुआ कि ये आपका डिवाइड में लिखा हुआ है और इधर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपका 33 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका चला जाएगा। 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 66, देन x इक्वल टू हो जाएगा 66 अपॉन 3, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 आपका मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और आपका RHS में जाएगा तो डिवाइड में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 आपका आ गया यहाँ से 22, ये आपका आंसर हो गया। ये तो फ्रेंड थोड़ा सा हो गया लॉन्ग प्रोसेस, अगर इसकी शॉर्ट प्रोसेस की बात करें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में जो भी आपकी संख्या दी जाए, ठीक है, उसको उसका करिए पहले, उसको लिखिए, ठीक है, और प्लस उसका आधा कर दीजिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, उसी संख्या के आधे मतलब कि 22 का आधा 11, तो यहाँ से आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, टू गेट 33। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, 22 और प्लस इसका आधा जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 आ गया, और आपका कितना मिलना चाहिए, 33 आपका मिलना चाहिए, जो कि यहाँ से मिल रहा है आपको। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, लिखा हुआ है दो क्रमागत संख्याओं का योग 39 है मतलब 39 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, यहां से आपको संख्याएं बतानी है, ज्ञात करनी है। दो संख्याएं हम लोगों ने लेट कर ली, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कौन सी संख्याएं होंगी, पहले हमने लेट कर लिया x, तो दूसरी संख्या जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है डेट इज एक्स प्लस 1, आपका एक नंबर बढ़ के हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर करेंगे जो कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, दो क्रमागत संख्याओं का योग मतलब एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 39, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन आफ्टर डैट वी हैव टू प्लस द वैल्यू ऑफ x, या कह सकते हैं कि x को हम लोग ऐड करेंगे पहले, तो हो जाएगा इसमें 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 39, देन आफ्टर डैट
2x इजकल टू 39 और ये आपका जो प्लस एल एच एस में पॉजिटिव में था इधर जाएगा मतलब दूसरे पक्ष में जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, एज यू मस्ट बी नोइंग दिस। सो 2x इजकल टू 39 माइनस 1 देन 2x इजकल टू 38 और फिर आपका लास्ट में क्या बचेगा x इजकल टू 19। कैसे बचा, 2 आपका जो यहाँ पे है वो आपका आर एच एस में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बिकॉज आप पहले क्या अभी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, देन x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आएगा आपका 19 प्लस 1 मीन्स 20 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं कौन सी होगी 19 और 20। अगर ट्रिक की फ्रेंड्स बात करें तो कैसे करेंगे आप लोग, संख्याएं आप लोग देख लीजिए जो भी ऑप्शन में आपकी दी हो, मान लीजिए 19 20 दी रहती है और इसी दूसरी संख्याएं जो कि आपका 39 बना रही हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर यही ऑप्शन मिल जाता है जो कि 39 आपका योग करने पे बना रही हैं, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरीके के और भी आपके ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपको ये मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। सुरेंद्र तथा वैभव की वर्तमान आयु में 11:8 मतलब 11:8 का अनुपात है, रेशियो है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 का हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है और 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया गया है और आपकी प्रेजेंट एज इसमें पूछी गई है दोनों की। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब भी ये रेशियो आपका रेशियो में दिया होता है और नंबर को अलग करते हैं तो कोई भी कोफिशियंट जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने इसमें एक्स किया है तो सुरेंद्र की हमने मान ली इसमें एक्स सॉरी 11x और वैभव की हो गई 8x, क्योंकि यहाँ पे अनुपात कितना दिया गया था आपका, दिया गया था यहाँ पे अनुपात 11:8। ठीक है, 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद आपकी सुरेंद्र की भी आयु 8 वर्ष बढ़ जाएगी और वैभव की आयु भी 8 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 8 8 दोनों में क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे इसमें जैसे कि कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट माय पॉइंट। देन आफ्टर डैट क्या करेंगे, इसके बाद इसका रेशियो गिवन है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है, 11x + 8 + 8x + 8 = 5:4। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, देन x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, 8/4 आएगा तो यहां से आ जाएगी 2 और सुरेंद्र की आयु में x की वैल्यू पुट कर देंगे मींस 11 × 2 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा और वैभव की आयु कितनी हो जाएगी, वैभव की आयु भी आपकी 8 × 2 मतलब 16 हो जाएगी। तो ये आपका एक तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, मैं आगे आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं तो इसको आप लोग कर लीजिए पहले और ट्रिक के लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, और इसके अलावा अनअकैडमी पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और आपके जितने भी प्रैक्टिस इसके क्वेश्चंस होंगे मैं वहाँ पे कराऊंगा आपको, तो वहाँ पर भी देखिए। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।